कहाँ है विराज? एक बार देख लेती हूँ। यहाँ तो सच में कोई नहीं है। मानव, सुजाता, मुंह बंद रख समझा, नहीं तो ना तेरा गला काट डालेगी मैं और बाद में तेरी प्यारी नीमक। हे भगवान, क्या हो रहा है ये सब? मेरा ही वहम होगा। ये तो पक्का वो सुजाता ना विराट को लेके भाग गई। हाई, वो विराट जी जैसे इंसान को ऐसे कैसे लेके जाएगी जब तक कि उन्हें कोई खतरा, भगवान कहीं वो कोई खतरे में तो नहीं है? हाई, हाई, हमें पुलिस स्टेशन जाना होगा। पर अरे सुबह के 5 बजे हैं, पता नहीं अब कौन ड्यूटी पे होगा। अरे हाँ, तो तांबे सबको फोन कर, उन्होंने ना हमारी हमेशा मदद की है, वो कुछ ना कुछ रास्ता बताएंगे। हाँ यार, आप सही बोल रही हो। अरे भाई, ये सुबह सुबह कौन परेशान करने आ गया? हाँ जी, हेलो हेलो हेलो, तांबे सर, मैं नीमा बोलते, वो थोड़ी इमरजेंसी आए। एक्चुअली तांबे साहब का सोलापुर में ट्रांसफर हो गया है। मैं सब इंस्पेक्टर राणा बोल रहा हूँ। जी कहिए। राणा सर, असल में एक लापता इंसान की कंप्लेन लिखवानी थी, वो बहुत अजीब हालत में गायब हुए। लापता इंसान, अजीब हालत? अरे खुलकर बताइए, है कौन? विराट सेठी। क्या, विराट सेठी? पर मैडम, विराट सेठी का केस तो काफी टाइम तो खड़ा हुआ है, इसके लिए आपको सुबह 5 बजे फोन करने की क्या जरूरत थी? नहीं नहीं राणा सर, आप समझ नहीं रहे, विराट सेठी मानव देशमुख बनके अपनी बीवी सुजाता के साथ रह रहे थे और इस वक्त वो दोनों ही गायब है। एक मिनट मैडम, बड़ा कंफ्यूजन है, आप क्या बताना चाहती हैं, क्या समझाना चाहती हैं? आखिर लापता कौन है, विराट सेठी, मानव या फिर सुजाता? प्लीज क्लियर करिए। सर आप समझ क्यों नहीं रहे, विराट सेठी मानव देशमुख है, वो दोनों एक ही इंसान है। ओ मैडम, जरा आवाज नीचे करके बात करिए। और फिर आप मुझे जिस तरह से समझा रही है ना, मेरे तो क्या किसी के भी समझ में नहीं आएगा। और इसमें दिक्कत क्या है, जब एक ही आदमी के दो नाम है, मानव और विराट सेठी, तो इसमें क्या दिक्कत है? और मैं पहले ही बता चुका हूँ, इनका केस ऑलरेडी पहले से खुला हुआ है। इसके लिए आपको सुबह 5 बजे फोन करने की मुझे क्या जरूरत थी? मुझे अपना काम शांति से करने दीजिए। धन्यवाद।
ए देवा, इस एड़े को ना कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाय, ये बात ही ऐसी ही है कि किसी को भी नहीं समझ में आएगा। मेरी किस्मत ही खराब है आई। अब क्या करेंगे? हाय, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि विराज जी किसी बहुत बड़े खतरे में है। कोई मेरी मदद करे या ना करे, पर मैं नहीं रुकने वाली। पता लगा के रहूंगी कि कहीं सुजाता कहाँ गई है। आस पड़ोस में किसी को तो कुछ पता ही होगा ना। सुजाता लोग कहीं गए हैं क्या? घर पे इतना बड़ा ताला लगा है। क्या पता आई? क्यों, वो सुजाता लोग कहीं गए हैं क्या? हाँ, वो लोग तो गए। अरे कल रात ही सुजाता आके मेरे को बताई कि वो लोग कुछ हफ्तों के लिए बाहर जा रहे हैं। अच्छा, भूल के गए कहाँ गए? क्या मालूम, ना मैं कुछ पूछी ना वो बताई। क्या बोल रही है तू? वो लोग घर छोड़ के गए क्या सबके साथ? हाँ। अरे लेकिन कल रात ही तो मैंने उनके घर से आवाजें सुनी। बड़ी अजीब अजीब सी आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दीवार पे मार रहा हो ठक 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 करके। अभी थोड़ी देर पहले मैंने सुना है आवाजें। आपने पक्का सुना है? अरे हाँ रे, नक्की बोल रही हूँ। मैं क्या झूठ बोलूंगी क्या? मैं तो कंप्लेन भी करने वाली थी, लेकिन फिर मैं गई ना तो वहाँ पे इतना बड़ा ताला लटका हुआ था। फिर मैं सोची, अरे क्या मालूम चूहे वगैरह रहेंगे शायद। अपने को क्या चूहे? हाय, कुछ तो गड़बड़ है। इतना भारी है, फल है कोई? कलिंगड़ है। भैया जी, वो बुद्धि मौसी थी ना जो कलिंगड़ बेचती है, आज नहीं आई है? मौसी? कौन सी मौसी? अरे दीदी, कलिंगर हो या शेर, यहाँ फल बेचने वाला बस मैं ही हूँ। क्या हुआ निमा? आई, मुझे बहुत घबराहट हो रही है। मुझे लगता है विराट जी उसी घर में आई। पुलिस को बुलाए क्या? पुलिस को बुला के क्या होगा, फोन तो किया था ना हमने, उनको कुछ पड़ी ही नहीं है। मुझे लगता है हमें ना खुद एक बार वहां जाके देखना चाहिए, क्या पता कुछ निकले ही ना। चले। उठो मेरे प्यारे पति देव, उठो। देखो सुबह हो गई। अरे पूछना ही भूल गई, तुम्हें मेरा उठाने का तरीका अच्छा लगा? अरे देखो तुम्हारा नहाना भी हो गया। चलो पोछ दो थोड़ा, पोछ दो थोड़ा, पोछ दो, पोछ दो मेरा प्यारा मानव। देखो तो कितना प्यारा है। अरे अब तुझे तो बहुत भूख लगी होगी ना, चल आज तेरे को मैं खिलाती हूँ। हाँ चल। देख मैं तेरे लिए क्या लाई है, देख। आज मैं तेरे को अपने हाथों से खिलाएगी, ये ले खजूर खा ले। देख इसके अंदर जो बीज रहते हैं ना वो भी मैंने निकाले। खजूर खाने से ना बहुत ताकत आती है। देख मुझे भी आई है, खा ले खा ले, प्यार से खिला रही है मैं, खा ले। ऐसी हालत में भी वो अपने जिद पे ही अड़ाए क्या? चल ठीक है, मैं तेरे को खिलाएगी, प्यार से खिलाएगी। या!
चुप करके बैठ, चुप बैठ। मेरे को ना ये सब कुछ करना अच्छा नहीं लगता रे माना। हाँ सच्ची में ते वचे शपथ नहीं, नहीं अच्छा लगता मुझे। पर तेरी आज जिंदगी का और अपुन दोनों के रिश्ते का आखिरी दिन है, आखिरी दिन। आखिरी दिन सेवा दिवस। इतनी भी बेरहम नहीं हो रहे मैं। देख मेरा जो दिल है ना बहुत बड़ा है। एक बोलू, इससे पहले जो मेरे जिंदगी में प्यारे प्यारे आदमी थे ना, मैं ना उनको उनकी मनपसंद चीज खिलाया करती थी। उनको मारने से पहले। अच्छा अब तेरी बारी। हाँ तेरी बारी। मुझे बता अब तेरी मनपसंद चीज कौन सी है खाने के बारे में? तूने उस दिन मुझे पूछा था ना कि तेरी सबसे प्यारी चीज कौन सी, अब तू बता क्या खाएगा बताना। पानी पूरी या चिकन बिरयानी खाएगा बोल, या फिर पाव भाजी क्या खाएगा बोल। अरे मिस्टर ली रे बेड़ी, सुजाता मिस्टर ली, कहीं तुझे वो मोमोस तो नहीं खाने? ए हलकाट, मुझे अभी भी उस कमीनी नीमा की याद आ रही है। चल मोमोज चाहिए ना तुझे। चल तेरे को आज मैं मोमोज खिलाती, लेकिन उस नीमा के हाथों से नहीं, समझा? पर मोमोज जरूर खिलाएगी मैं, पक्का। दिल से बोल रही। चल रात की बहुत सारी तैयारियां करनी है मेरे को। हाँ तू चुपचाप से बैठे ना, आवाज नहीं करने का। नहीं हा? तेरे को अगर लगता है ना तो तू चिल्लाने की कोशिश कर सकता है। चिल्ला सकता है तू। निकाल आवाज, बचाओ बचाओ, निकाल आवाज। बचाओ बचाओ, चिल्ला। सुजाता को मोमोज लेने के लिए दूर जाना पड़ेगा, यही मौका है, मुझे भागने की कोशिश करनी चाहिए। रुक रुक रुक, कोई तो आ रहा है। करना जल्दी जल्दी करना। क्या हो गया भाई? हाँ हो गया क्या भाई? खुल गए। मैं अंदर जा रही हूँ, आप बाहर से लॉक कर दो। हाँ अगर मुझे अंदर कुछ गड़बड़ लगी तो मैं आपको फोन करूंगी, आप अंदर आ जाना। और अगर आपको लगा कि मैं कोई मुसीबत में हूँ और आपको फोन नहीं कर पा रही तो आप लोगों को बुला लेना और ये दरवाजा खोल के अंदर आ जाना। तब तक आप बस यही से नजर रखो, ठीक है? बेटा भगवान तेरी रक्षा करे।
अंधेरा होने आया, पता नहीं निमा अंदर क्या करी है। यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे ही अपना वक्त बर्बाद किया। हो गया, हो गया। काय के लिए इतनी मगजमारी कर रहा है तू? हाँ क्यों? कितनी भी कोशिश कर ले, कितनी भी मेहनत कर ले, कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसे रस्सी की गांठ 100 बार बांधी है, इतने आसानी से नहीं खुलने वाले। और हमारे जो बस्ती के लोग हैं ना, उन लोगों को ना अपन दोनों की कुछ नहीं पड़ी है, समझा? सुन, अरे तेरे लिए मैं मोमोज लाई है, आराम से खाना है तेरे को अभी। हाँ, क्योंकि उसके बाद अपन दोनों हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे। तू ऊपर जाएगा और मैं नीचे ही रहेगी। ये आवाज तो यहीं से आ रही। निमा, सुजाता घर के अंदर ही है। हाँ, पता है मुझे, पर वो किसी अलग हिस्से में, मुझे ढूंढना होगा। तो मैं पुलिस को बुलाऊं क्या? हमें नहीं पता विराज जी इस वक्त किस हालत में है, थोड़ी देर रुक जाइए। अगर हम ज्यादा देर के लिए बाहर नहीं आते तो आपको जो ठीक लगे आप वही कीजिए। आप भी एक माँ है, बस अपने दिल की सुनिए। क्यों खुद का सर फोड़ रहा है? हाँ, क्यों मेहनत कर रहा है? देख, तू कितनी भी मेहनत कर ले, तेरे को कोई बचाने के लिए नहीं आएगा, समझा? देख, अभी ना मैंने ये तेरी पट्टी खोल दी है, तो आराम से तुझे ये मोमोज खाने। हाँ, और अगर तूने कोई भी शर्णपट्टी की ना, 2 सेकंड के अंदर तेरा गला काट डालेंगे मैं, समझा? चल, ये ले, खा ले। रे हाथ। खाने के लिए मुंह की जरूरत होती है, हाथों की नहीं। और मैं है ना, मैं खिलाऊंगी तेरे को, टेंशन क्यों ले रहा है? ले। अच्छा, तेरे को मालूम है जब मैंने ठान लिया था ना कि अब से कोई भी मर्द मेरा फायदा नहीं उठाएगा, उसके बाद मैंने पहला सोचा समझा मर्डर किया था। हाँ, और फिर मंगेश के बाद लगभग 2 साल हो गए,
और उसके बाद ना